नार्वे में इंजीनियर के भाई व पूर्व विधायक के साले के घर 3 घंटे चली लूटपाट। जनपद में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अपराधियों पर अब किसी तरह का खौफ नहीं रहा। बीती रात बदमाशों। रिपोर्ट। नार्वे में इंजीनियर के भाई व पूर्व विधायक के साले के घर 3 घंटे चली लूटपाट। जनपद में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अपराधियों पर अब किसी तरह का खौफ नहीं रहा। बीती रात बदमाशों ने पूर्व विधायक अतर्रा निवासी पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के साले व पूर्व बीडीसी सदस्य संतोष गौतम के घर में घुसकर 3 घंटे तक लूटपाट कर परिजनों के साथ मारपीट करते रहे और घटना की किसी को भनक तक नहीं लगी। घटना बबेरू तहसील के थाना मरका अंतर्गत हुई। इसी थाना क्षेत्र के ग्राम कुसुम बेहन पुरवा इगुआ मऊ निवासी संतोष गौतम 45 के घर में 10 बदमाश रात को लगभग 12 बजे घुस आए और घर में घुसते ही सभी के साथ बंदूक की बटों, लोहे की रॉड, तमंचे की बट से पिटाई करना शुरू कर दी। बाद में इन बदमाशों ने घर में जेवर व नकदी कहां रखा है इसके बारे में पूछताछ की, न बताने पर मारने पीटने लगते थे। इस बारे में जानकारी देते हुए भुक्तभोगी संतोष गौतम ने बताया कि बदमाशों की संख्या लगभग 10 थी। इनमें से 6 बदमाश हमारे साथ घर में घुसकर मारपीट कर रहे थे। 2 बदमाश छत में चल रहे थे और शेष बदमाश घर के आसपास थे। बदमाशों द्वारा पास की घटना घंटों चलती रही। इस दौरान उन्होंने धमकी भी दी कि अगर किसी ने इधर उधर भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। बदमाशों की पिटाई से पत्नी वंदना 40, मां सूरजकली 65 व बेटी पलक 12 घायल हो गई। इसके बाद बदमाश नकदी व जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सवेरे पुलिस को दी गई। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताते हैं कि परिवार में उनकी मां सूरजमली, पत्नी वंदना तथा एक 12 साल की बच्ची चारों बीती रात अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब 12 बजे एक दर्जन बदमाश सीढ़ी लगाकर घर में घुस गए। परिवार के लोग कुछ समझ पाते बदमाशों ने सभी को कब्जे में लेकर पीटना शुरू कर दिया। बदमाश उनसे घर में रखे जेवर और नकदी के बारे में जानकारी मांग रहे थे। पीड़ित परिजनों का कहना है कि बदमाश सुबह 3:30 बजे तक लूटपाट करते रहे। वारदात को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक एसएस मीना के साथ मौके पर घटना की जानकारी ले रहे हैं। जल्द खुलासे के लिए पुलिस टीमों को लगाया जा रहा है। आज नगर मजिस्ट्रेट और सीओसीटी दोनों आए थे ओवरलोड ट्रकों के संचालन को लेकर के और ध्वस्त हो चुकी सड़कों को ठीक कराने को लेकर के। खनिज विभाग के भी अधिकारी आए थे और सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद कैसे वहां से ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं, इन पर उन्होंने 1 सप्ताह पे कार्रवाई करने के लिए कहा है और 1 सप्ताह का हम लोग अब समय दे रहे हैं। माननीय सांसद जी हमारे साथ में आए हैं और उनको भी हम ज्ञापन दे रहे हैं और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन माननीय सांसद जी के द्वारा हम लोग भी भेजेंगे ताकि शासन स्तर से भी इस पर ठोस कार्रवाई की जा सके और 1 सप्ताह बाद यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन और अनशन को बात होंगे। क्या आपकी सारी मांगे मान ली गई? हाँ, अभी जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब और सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है तो उस हिसाब से उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है और इस लिहाज से आज हम लोग ये अनशन समाप्त करें।